सफेद दाग वालों को क्यों सेना में नहीं लिया जाता? यस दोस्तों, बात करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो आर्मी एस्पिरेंट हैं उनको दे रेफर फॉर द TS पेज, दे रेफर फॉर द वाइट स्पॉट, एंड वो आते हैं कि सफ़ेद दाग के कारण जो है मेरे को रेफर बना दिया एंड मेरे को डिसक्वालीफाई कर दिया। सो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि सफ़ेद दाग होता है वे क्यों होता है और कहाँ होता है। दोस्तों जो हमारा ईयर ड्रम होता है, जो हमारा ईयर ड्रम कान का पर्दा जो होता है, उस पर्दे में बहुत बार क्या है वाइट स्पॉट होते हैं, जो आर्मी में जब वो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको देखते ही वो डिसक्वालीफाई कर देते हैं। वो क्यों डिसक्वालीफाई कर देते हैं दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा कान की संरचना और फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जब हम बोलते हैं तो वो हमारी जो सारी आवाज़ है वो हमारे कान के पर्दे से टकराती है एंड उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। जैसे आप पानी में पत्थर डालते हो और वाइब्रेशन बनते हैं, वो वाइब्रेशन अंदर हमारी मेलियस इनकस स्टेबिस बोन होती है और एक नर्व होती है, उसके थ्रू दिमाग को जाता है, दिमाग में जो ऑडिटरी एरिया होता है वो उसको परसीव करता है, हम बात का जवाब देते हैं। कि अगर उसके अंदर वाइट पैच हो गया तो जो हमारा ईयर ड्रम का जो वाइब्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, वाइब्रेशन डिक्रीज होगा तो हमें सुनाई कम देता है। एंड आप ये देखिए कि आर्मी एयरफोर्स डिफेंस में अगर किसी को सुनाई नहीं दे तो एक बार एडमिशन के बाद वो आपको निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या है वो आपको उसमें जो है वो एक रेफर पॉइंट बना देते हैं। अब समस्या ये है कि सपोज करो आपको रेफर बना दिया तो आप क्या करें दोस्तों, उसके लिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वाइट स्पॉट या सफ़ेद दाग के कारण आपको रेफर बना दिया तो उसका 100% उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यानी उसको 100% रिमूव करके वो पर्दे का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो आप जो है उसमें वापस जा सकते हैं। सो इसलिए क्या है कि जो आपका सफ़ेद दाग है तो आपकी सुनाई की कैपेसिटी डिक्रीज नहीं हो, इसलिए क्या है कि आपके सफ़ेद दाग के कारण आर्मी में आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। थैंक यू।